हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जिम बडीज एंड फैमिली व्लॉग। और आज जो है हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करने आए हैं कल के डे के लिए। इनॉग्रेशन डे ऑफ योगा है, योग स्वस्थ तन एवं स्वस्थ मन। बना दो पीछे बैठे बैठे कुछ कुछ बोल रहे थे। अच्छा बाद में हेडफोन पर लगा उसने पा रहे ये तो बाद में पीछे गालियां दे रहे बैठे बैठे मेरा सारा डिलीट करा। सही है बड़ी आज इतनी ज्यादा वो है ना धूप ऐसा उड़ जाएगा 5 मिनट में ये बहुत दिन से पानी दिया नहीं है सर। और ये घास भी जो है ना बहुत सही हो जाएगी उसके बाद में। एक चीज है अगर धूप ना हो सुबह के टाइम पे ग्रीनरी इतनी अच्छी लगेगी बहुत अच्छा लगेगा हवा अगर चलती रही ना। लेकिन ये है कि शुरू हो जाए 6 बजे तक, अगर लेट हो गया तो फिर बड़ा जरा भी धूप आ गई तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। प्यास लग रही जल्दी जल्दी पानी की कमी हो गई है निर्जलीकरण हो गया निर्जलीकरण। फिर यहाँ बैठने लायक घास अच्छी नहीं है ना वहीं बनाओ यहाँ तो नहीं आ जाओ वापस ना यहाँ नहीं ना अच्छा ही नहीं लगा देख के नहीं बढ़िया लगा। पानी भी पड़वा दो एक बार और रोके आज हमारे साथ में एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं हमारे ये हैं हमारे डॉक्टर संजय सिंह और ये डॉक्टर सुंदरपाल को तो खैर सब लोग जानते हैं हमारे साथ ही जितने भी अधिकारी और मुस्कुराइए आप लखनऊ में और ये डॉक्टर संजय सिंह और आज यहाँ पे आए हैं हमारे साथ में यहाँ पे पार्क घूमना था इसलिए आज सुबह हम जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क पहुँच गए हैं और 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 का जिला प्रशासन हापुड़ द्वारा जो है ये अब योग सप्ताह प्रारंभ किया जा रहा है जो 15 जून से 21 जून तक रहेगा और 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ही। तो इस टाइम हम जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क पहुंच चुके हैं। चलिए अंदर देखते हैं यहाँ पर क्या अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। सारे जो हैं योग साधक जो हैं योगा मैट पर बैठ चुके हैं और योग करने की तैयारी चल रही है और यहाँ काफ़ी संख्या में फिर भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अब जो है मुख्य अतिथि का और जो विशिष्ट अतिथि उनके आने का इंतजार किया जा रहा है तो देखते हैं अभी जल्दी से कितनी देर में आते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है हमारी मैडम का।
थैंक यू। कार्यक्रम शुरू हो गया है तो इसमें बहुत सारे योग प्रशिक्षक भी हैं और योग साधक भी हैं और वो योग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है योग का स्टार्ट कराया गया है। ये मनीष योगाचार्य जो है योगा के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में बिल्कुल सीधे करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे और राइट साइड में ही पीछे देखेंगे।
डीएचओ साहब जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया है, आप सबको आमंत्रित किया, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कराई और बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन जो है स्कूल के बच्चों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा किया गया, उसका श्रेय आपको जाता है। आपके सभी होम्योपैथिक डॉक्टर जो यहाँ पे मौजूद थे, आयुर्वेद विभाग से सभी डॉक्टर्स जो यहाँ मौजूद थे, इसके अलावा हमारे योग प्रशिक्षक मनीष जी जो बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और कोई भी मीडिया बंधु यहाँ मौजूद हैं, और बाकी सभी नागरिकों को बहुत बहुत नमस्कार, योग सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो फ्रेंड्स, आज सुबह योगा करने गए हम, योगा का बहुत अच्छा सा प्रोग्राम रहा, बहुत मजेदार प्रोग्राम था उसमें, और इसको करने के बाद में दोपहर में मैं काफी लेट पहुंचा हूँ, 2:30 बजे के आसपास में हॉस्पिटल से आया। आने के बाद सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर ले, तब तक बीसी हो गई, बीसी के चक्कर में फिर टाइम लग गया, फिर जिम गए, और अब साहब को लेके इनको साइकिलिंग करवाने जा रहा हूँ। आज बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है, बहुत नींद जैसा फील हो रहा है, थकान फील हो रही है, पर आई होप लगता है कि मुझे रात तक मिलेगा नहीं बेड अभी सोने के लिए। ये आशु भाई हमारे साइकिल चलाने आ गए हैं नीचे। एक्चुअली आज इसलिए भी थोड़ी थकान ज़्यादा हो गई है क्योंकि नॉर्मली शेड्यूल जो होता है वो तो 5 to 6 hours का होता ही है स्लीप का, पर कल कुछ जो है फैमिली फ्रेंड्स थे तो थोड़ा लेट नाइट तक जगना हुआ, उसके बाद में फिर मॉर्निंग में हम उठे, उठते ही हमको सीधे हापुड़ जाना पड़ा 5:00 पे, तो हो जाता है, पर इट्स गुड ओवरऑल जो है आज कंप्लीट कर लेंगे हम सोने का था।